सभी को नमस्कार। आज के इस वर्कशॉप की शुरुआत में इस वर्कशॉप के जो उद्देश्य है और जिस बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आप सबके सामने रखूंगा। इस वर्कशॉप में उपस्थित AICT के सभी अधिकारी माननीय अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, ऑनरेबल चेयरमैन AICT श्री प्रोफेसर MP पुनिया जी, वाइस चेयरमैन AICT, मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर राजीव कुमार जी, डायरेक्टर जीतू भगत जी, और इस कार्यक्रम को प्रमुख रूप से संबल देने के लिए प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा जी और UHB की सारी टीम जिसने इस बहुत बड़े काम को इस स्तर तक ले आया कि देश में सब जगह सब राज्यों में हम पहुंच पाए हैं। और सबसे ऊपर इसमें जो भागीदारी करने के लिए हमारे शिक्षक बंधु आए हैं उन सब का मैं अपनी तरफ से UHB की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसकी जानकारी रखने से पहले, क्योंकि ये कार्यक्रम तो बहुत पहले शुरू हो चुका था लेकिन बाद में 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब अध्ययन किया गया तो लगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दो प्रमुख भाग जो मैं देखता हूँ, मुझे समझ में आता है कि एक भाग तो वो है जिसमें उसके स्ट्रक्चर को बदला गया है, उसकी संरचना को बदला गया है कि एक बॉडी होगी, उस बॉडी के तहत नीचे अलग अलग चार वर्टिकल्स होंगे और वो काम करेंगे, और वर्तमान स्थिति जो अलग अलग गवर्निंग बॉडी है उसकी बजाय एक बॉडी होगी और बेहतर कार्य हो सकेगा, यानी स्ट्रक्चर के रूप में, फंक्शन के रूप में बेहतर कार्य हो सकेगा। दूसरा पक्ष जो मैं समझ पाया हूँ और इतने सारे लगातार डिस्कशन के माध्यम से, आप भी शिक्षक होने के नाते कहीं न कहीं इस NEP 2020 के डिस्कशन में शामिल हुए होंगे, दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य कि स्ट्रक्चर चेंज तो अपनी जगह ठीक है लेकिन उस स्ट्रक्चर चेंज के पीछे भाव क्या, हम करना क्या चाहते हैं और इस शिक्षा नीति के माध्यम से हम अपने देश में अंततः किस तरह का विद्यार्थी देखना चाहते हैं, उस विद्यार्थी से किस तरह का व्यक्ति देखना चाहते हैं, किस तरह के व्यक्ति से किस तरह का समाज देखना चाहते हैं और वो समाज ऐसा हो देश के विकास में लगे, ये क्या भाव है, इस भाव को जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि यही सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस शिक्षा नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा है कि ये राष्ट्र के निर्माण में लगने वाली है और राष्ट्र के डेवलपमेंट में लगने वाली है। इस बात को देखते हैं तो इसका जो पहला ही सेंटेंस, पहली ही जो शुरुआत है इसमें, सर आपका माइक अनम्यूट हो गया। इसकी जब हम शुरुआत में देखते हैं तो तीन महत्वपूर्ण बातें कही गई है, उसके इंट्रोडक्शन में ही लिखा है, इंट्रोडक्शन को हम पढ़ते तो लिखा है कि एजुकेशन इज फंडामेंटली फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। ये तीन शब्द जो है इसके पूरे पहले ही इंट्रोडक्शन में लिखे गए हैं। ये इन तीन शब्दों की अगर हम विवेचना करें और देखें तो लगता है कि NEP 2020 की जो भावना है, जो उसमें लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इन शब्दों, तीनों शब्दों में समाहित है। पहले लिखा है कि फुल ह्यूमन डेवलपमेंट, कि मानव का संपूर्ण विकास। अब संपूर्ण विकास से क्या कहना चाहते हैं? संपूर्ण विकास के रूप में कहना चाहते हैं कि इंसान की सही समझ विकसित हो जाए, सही समझ विकसित हो जाए, यानी वो ये समझ पाए कि संपूर्ण सृष्टि में जितनी भी इकाइयां हैं वो भी एक इकाई है और उस इकाई के रूप में वो एक चेतन इकाई है, महत्वपूर्ण इकाई है, उन सब इकाइयों में चेतन इकाई है, तो उस चेतन को समझे। जब चेतन को समझेगा तो उसे लगता है कि वो बाकी इकाइयों के साथ में उसका क्या संबंध है,
तो लगेगा कि संबंध में तो उसका हार्मोनी का संबंध है, एक व्यवस्था का संबंध है, और उस व्यवस्था के संबंध में सह अस्तित्व नजर आता है। तो व्यवस्था और सह अस्तित्व को समझेगा तो लगेगा कि एक इकाई दूसरी इकाई से संबंध पूर्ण है, उससे जुड़ी हुई है। इस भाव को, इस चेतन मन को समझने का काम करेगा तभी उसका संपूर्ण विकास हो पाएगा। और जब संपूर्ण विकास हो जाएगा और जिस इकाइयों में अपने अपनेपन के भाव को देखेगा, तब वो समझ पाएगा कि उसकी इस सारे में भागीदारी क्या है। इस भागीदारी को समझ के उसका निर्वहन कर पाएगा तभी एक अच्छा व्यक्ति बन पाएगा। तो एनईपी ने सबसे पहले जो कहा कि ऐसा व्यक्ति का निर्माण हो जो संपूर्ण सृष्टि में उसकी क्या भागीदारी बनती है, उस भागीदारी को समझ सके और उसको निर्वहन करने की उसमें क्षमता विकसित हो सके, उसमें भाव विकसित हो सके और उसको क्षमता पूर्ण कर सके। अगर ये कर लेगा तो उसको रोजगार उपलब्ध के लिए क्या स्किल सीखनी है ये भी तय कर पाएगा, और उसका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी संपूर्ण समाज में परिवार से लेकर प्रकृति तक क्या है इसको समझ पाएगा। जब ऐसा व्यक्ति तैयार होगा तो ऐसे व्यक्ति से जो समाज बनेगा वो समाज इक्विटेबल एंड जस्ट, यानी समतापूर्ण और न्यायपूर्ण समाज बनेगा। ऐसा समाज बनेगा जिसमें हर व्यक्ति संपूर्ण समाज के भले की सोचता होगा, सबके वेलबींग की सोचता होगा, वेलबींग में भागीदारी करता। जब सभी व्यक्ति एक दूसरे के वेलबींग की भागीदारी की बात करते होंगे, एक दूसरे से न्याय से रहते होंगे, तब ऐसा जो समाज बनेगा वो न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज बनेगा। ऐसा न्यायपूर्ण और समतापूर्ण जहां समाज होगा, वो जो राष्ट्र होगा, उस राष्ट्र में सुख होगी, समृद्धि होगी, शांति होगी, और यही राष्ट्र के विकास का उद्देश्य। जब ऐसा जो राष्ट्र बनेगा जो स्वयं अपने आप में एक व्यवस्थित होगा, उसके रहने वाला सारा समाज व्यवस्थित होगा, व्यक्ति अपने आप में समझदार होगा, अपने रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, तो वो जो राष्ट्र होगा दूसरे राष्ट्रों को भी एक कंप्लीमेंट्री के रूप में उनके विकास में भागीदारी करेगा। यानी इस नीति के साथ में व्यक्ति से लेके राष्ट्र तक और राष्ट्र से लेके संपूर्ण विश्व तक उसके सुख शांति समृद्धि की कल्पना के साथ में शिक्षा नीति को लाया गया है। इसलिए शिक्षा नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा है और बहुत महत्वपूर्ण एक बदलाव की उम्मीद लेकर कहा गया है। ये शिक्षा नीति के लक्ष्य है। अब इन लक्ष्यों को अगर हम हमारे इस कार्यक्रम की दृष्टि से देखें तो ऐसा व्यक्ति तैयार कैसे होगा, इसी समझ कैसे बनेगी उसमें कि वो उसकी जो दृष्टि हो, जो दृष्टि हो वो विश्व स्तर की दृष्टि हो कि विश्व में उस एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में उसकी क्या भागीदारी है। इस तरह की दृष्टि बनेगी तो वो व्यक्ति जो होगा वो संपूर्ण समाज के लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में काम करेगा, और इस इकाई के नाते वो जो समाज बनेगा, जो राष्ट्र बनेगा, वो हमारे लिए एक इस शिक्षा नीति के माध्यम से कहा। अब ये बात संपूर्ण रूप से हमारे इस कोर्स के माध्यम से कैसे बनेगी और वर्तमान में क्या मिस हो रहा है, वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था को देखें तो सारा का सारा जो थ्रस्ट है वो सीखने पे लगा हुआ है, वो समझने पे नहीं लगा हुआ, सीखने पे लगा हुआ है। हर विद्यार्थी को भी ये कहा जाता है कि अगर जो जानता है उसके अलावा और कुछ सीख ले, वो कुछ लैंग्वेज भी सीख ले, कुछ सॉफ्ट स्किल सीख ले, एक ब्रांच के बारे में है तो उसका कुछ एक्स्ट्रा को सीख ले, सारा कुछ सीखने के बारे में, और सीखने के बाद में जो हासिल करने के रूप में है कि वो कुछ रिम्यूनरेशन के रूप में हासिल कर ले और उससे कुछ वस्तुएं हासिल ले। लेकिन विश्व के रूप में दृष्टि को अगर विकसित करने की बात करते हैं तो सूर्य सृष्टि में उसका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इस बात को समझने को कहेंगे तो इसे मानवीय दृष्टि विकसित करने का जो काम है उस काम को करने के लिए इस कोर्स के माध्यम से हम कुछ जानकारी आपके सामने रखना चाह रहे हैं, और उस जानकारी के माध्यम से आप अपने लेवल पे उसको देखें तो मुझे लगता है कि ये आज की शिक्षा में तीनों चीजें मिस कर रही है कि दृष्टि विकसित करने का काम नहीं है, समझ को विकसित करने का काम नहीं है, सिर्फ सिखाने का काम हो रहा है, सिखाने के काम के माध्यम से सिर्फ स्किल को सीखता है, जब सिर्फ स्किल को सीखता है उसके पीछे जो दृष्टि है उसको नहीं सीखता है तो उस स्किल से वो समाज में नुकसान भी कर सकता है, और अगर दृष्टि सीखो तो समाज का भला भी कर सकता है। इसलिए जो फुल ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो भी मिसिंग है, उससे जो बनने वाला समाज है वो भी मिस हो रहा है, और जब मानव का निर्माण नहीं होगा, समाज का वैसा निर्माण नहीं होगा तो निश्चित रूप से देश और देश से आगे पूरे विश्व में जो हारमोनी होनी चाहिए वो भी एकदम क्वेश्चनेबल है। इन तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो देने के लिए इस पहली जो कल्पना है कि
व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो, उस संपूर्ण विकास के लिए निश्चित रूप से उसकी ऐसी दृष्टि बने, और उस दृष्टि बने तो उसको क्या शिक्षा होनी चाहिए। तो इस तीन उद्देश्यों को, एनईपी के तीन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए तीन चार कदम हो सकते हैं। पहला कदम ये हो सकता है कि उसको क्या शिक्षा दी जाए, यानी मानवीय वैल्यू एजुकेशन की शिक्षा दी जाए, मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी जाए। फिर मानवीय मूल्यों की शिक्षा का अगला स्टेप ये हो सकता है कि मूल्यों की शिक्षा के बाद मूल्य मुद्दे मूल्य आधारित कोर्स तय किया जाए। और फिर उस कोर्स को पढ़ने के बाद तीसरा स्टेप ये हो सकता है कि ऐसा मानवीय मूल्य आधारित एक लिविंग बने, उसका रहन बने, उसका जीवन बने, और जो हमारे शिक्षा संस्थान है वो इसका एक मॉडल बने। ये तीन स्टेप उसके हो सकते हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उसका पहला ही स्टेप है कि वो जो मानव तैयार होगा, जो मानव से ही समाज और समाज से राष्ट्र तैयार होता है, उस मानव तैयार होता है तो उसको क्या शिक्षा होनी चाहिए, मूल्य शिक्षा क्या होनी चाहिए। जब मूल्य शिक्षा की बात करते हैं तो मूल्य शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सब पे लागू हो सकती है, जो मेरे पे भी लागू है, आप पे भी लागू है, भारतीय भी लागू है, अमेरिकन पे भी लागू है, और हर समय लागू है। यानी ऐसी शिक्षा दी जाए जो यूनिवर्सल, जो समय आधारित नहीं हो, व्यक्ति आधारित नहीं हो, स्थान आधारित हो, सार्वभौमिक। जैसे हम सबको एक संबंध पूर्वक रहना ही स्वीकार्य है, चाहे मैं अपनी बात करूं, चाहे आपसे बात करूं, या आप अपने कार्यस्थल पे बात करें, या भारतीय बात करें, या यूरोपियन बात करें, सबको संबंध पूर्ण रहना ही पसंद होता है, और सबको एक हारमोनियस जीवन ही अच्छा लगता है। ये यूनिवर्सल है, और इसके साथ साथ ये रैशनल भी है। इसको हम तर्क के आधार पर समझ सकते हैं, अपने अपने स्वयं के तर्क के आधार पर समझ सकते हैं, और इसको अपने ऊपर लागू करके देख सकते हैं, वेरीफाइबल है। और जब इसको हम इन तीनों स्टेज पे देखते हैं तो लगता है ये सब पे सर्वव्यापक है, एनकंपासिंग है, और इस तरह का जो जीवन जो है, जो उससे हमारा जीवन सहज होता है, हमारा जीवन हारमोनियस होता है, व्यवस्था में रहते हैं, संगीत में होता है। तो इस तरह की शिक्षा का जो उद्देश्य है, मानव की एक दृष्टि विकसित करता, वो दृष्टि मानव समाज से लेके संपूर्ण प्रकृति तक हारमोनी और उसके सहअस्तित्व को समझता है। इस तरह की शिक्षा का जो उसका दायरा है वो मानव से लेके परिवार, परिवार से लेके समाज, और समाज से लेके प्रकृति तक, यानी संपूर्ण चार स्तर जो हमारा जीवन है, मेरा आपका सभी का जीवन, हम चार स्तर पे जीते हैं, एक साथ जीते हैं। मैं अपने आप में जीता हूँ, यानी मैं अपने आप, मेरा जड़ शरीर और जड़ के अंदर जो चेतन है, आज के करिकुलम में चेतन की शिक्षा नहीं है, तो चेतन की शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। जो जड़ और चेतन में हारमोनी से जीने को सीखता हूँ, उसका एक्सटेंशन मेरा परिवार है, जहाँ मैं अपने भागीदारी समझ के उसको भागीदारी को संपूर्ण करता हूँ, ताकि मैं उनके साथ संबंध पूर्ण रह सकूँ। परिवार का एक्सटेंशन समाज है, समाज के साथ मैं अपनी भागीदारी को समझू, उसके साथ मैं हारमोनी से रह सकूँ और अपनी भागीदारी को संपूर्ण कर सकूँ, और उससे राष्ट्र तक पहुंचा, राष्ट्र से राष्ट्र तक। इस तरह के प्रोग्राम को बहुत लंबे टाइम से चलाया गया, देखा गया, टेस्ट किया गया, और टेस्ट करके देखा गया कि इसको लागू किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। और आज के इस वर्कशॉप में इन्हीं विषयों पे, इसी चार स्तर का जो हमारा जीवन है, मैं, परिवार, समाज और प्रकृति, इन चारों स्तर के जीवन में हम हारमोनी को समझे कि हारमोनी जो प्रकृति ने बनाए रखी, प्रकृति ने सब सिस्टम जो है हारमोनी से भी बनाया है, उसमें व्यवस्था बनी हुई है, हमको अलग से कोई व्यवस्था बनानी नहीं है, हमको उस व्यवस्था को समझना है और अपने आप को उस व्यवस्था में रहना है। बस इतना सा काम हमको समझ में आ जाता है तो हम चारों स्तर पे इस व्यवस्था को समझ सकते हैं और इस व्यवस्था के साथ जी सकते हैं। इस व्यवस्था के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन एक संस्कारित जीवन जिसको कहते हैं बनता है, हमारा आचरण निश्चित होता है, अपने आप में, अपने परिवार में, समाज में, और व्यक्ति से व्यक्ति, क्यों प्रकृति तक समझ तक। आज इस पांच दिन के इस कार्यक्रम में इसी विषय को गहराई से समझना है कि चार स्तर का जो हमारा जीवन है उसमें किस तरह की हारमोनी है, और उस बनी हुई हारमोनी को मुझे कैसे समझना है, और कैसे मुझे व्यवहार में लाना है, मेरे आचरण में लाना है, मेरे कार्य में लाना है, यही इस का प्रमुख विषय है। अगर इस तरह का अगर भाव से हम जीते हैं तो इससे जो समाज बनता है वो न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज बनेगा, अपने गाँव से लेके, अपने शहर से लेके, जिले से लेके, राज्य से लेके, देश तक, और देश से क्यों देशों तक इस तरह के भाव बनता है। तो वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव सुनते तो हैं लेकिन लाया भी जा सकता है, ऐसी कल्पना के साथ शिक्षा नीति को लाया गया है, और उसी को लेके इस पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है जो हम आपके सामने रखते हैं। इसमें कई बार ऐसा कहा जाता है कि वैल्यू एजुकेशन तो बात तो ठीक है, लेकिन इसको पढ़ाएगा कौन, कराएगा कौन, तब लगता है कि, और कहाँ कहाँ ये भी कहा जाता है कि जो वैल्यूज है
वो पढ़ाने का विषय नहीं है, ये तो अपने आप में आती है। लेकिन इसको देखा गया, और पिछले बहुत टाइम से मैं आपके सामने थोड़ा रिकॉर्ड भी रखूंगा कहाँ कहाँ क्या हुआ, देखा गया कि इसको पढ़ाया भी जा सकता है और इसको पढ़ा के समझाया भी जा सकता है और इसको मेन स्ट्रीम में लागू किया जा सकता है। और जब मेन स्ट्रीम में लागू करने की बात आती है तो ये भी कहा जाता है कि इसको कहाँ से लागू किया जाए, स्कूल से लागू किया जाए या कॉलेज से लागू किया जाए। लेकिन बहुत डिस्कशन के बाद में ऐसा देखा गया कि अंततः जो समझदार व्यक्ति है, अगर परिवार से लागू किया जाए, परिवार का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन परिवार में जो भी लोग हैं वो एडल्ट है जिनको इस बात को समझना है, और जो कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं और कल परिवार अपना परिवार चलाने वाले हैं, देश में बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान देने वाले हैं, वो भी एडल्ट है, तो लगा कि कहीं एडल्ट से इसको शुरू किया जा सकता है और इसी नाते इसको बहुत तैयारी के साथ लागू किया गया और उसके परिणाम हम पिछले 15-16 सालों से देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एनकरेजिंग परिणाम हमारे सामने आए। एक इसकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जो पढ़ाने का तरीका है, जो डिलीवरी का मैकेनिज्म जो तय किया है कि इस बात को कैसे रखना है, कैसे बताना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वर्तमान में जो पढ़ने पढ़ाने के तरीके हैं या कोई चीज को कहने के तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से पढ़ाते हैं, और इवन घर में जो ट्रेनिंग है वो भी इंस्ट्रक्शन के माध्यम से है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, नहीं करने पे दंड भी दिया जा सकता है, अच्छा करने से रिवार्ड भी हो सकता है, यानी जो व्यवहार और काम है उन दोनों को रिवार्ड और अवार्ड के रूप में ही उससे बात की जा सकती है। पर इस तरह के जो भी एजुकेशन का सिस्टम है, जब तक वो रिवार्ड अवार्ड की बात या भय की बात सामने रहती है तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन व्यक्ति के उसके स्वभाव में नहीं आता, उसके आचरण में नहीं आता है, इसलिए उसका आचरण सुनिश्चित नहीं हो पाता है, इसलिए वो जब भी ये चीजें उसके सामने नहीं होती वो अपने अपनी दृष्टि से अपने हिसाब से काम करने लगता है। दूसरा जो तरीका है कि मोरल टीचिंग के आधार से कहते हैं कि ये हमको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बड़ा का सम्मान करना चाहिए, कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमको ईमानदार होना चाहिए, इस तरह की सब मोरल वैल्यूज के बारे में बताया जाता है। तो कहने में तो ठीक लगती है लेकिन वो भी एक तो हमारा जो व्यवहार है उसको निश्चित नहीं कर पाती। तीसरा जो तरीका जो इस पर्टिकुलरली यूएसबी में लिया गया है कि जो भी बात कहें हम उसको प्रपोजल के रूप में कहें, कि हमको कहें कि हमको आपस में सम्मान से रहना चाहिए या द्वेष के साथ रहना चाहिए, तो एक ही बात निकले कि सम्मान से रहना चाहिए, स्नेह से रहना चाहिए। अगर प्रपोजल के रूप में कही जाती है तो हमारी एक्सेप्टेंस बनती है, तो हम खुद अपने आप पे इसको लागू करके देख लें, अपने आप में इसको जांच के देख लें, अपने स्वयं के अस्तित्व से, स्वयं के विवेक से उसको जान के देख लें कि वो ठीक है कि नहीं। जब हमको लगता है कि ठीक है और उसको हम अपने आप पे लागू करके देखते हैं तो लगता है कि हम वेरीफाइबल भी है। तो इस तरह का जब व्यवहार हम अपने आप पे करते हैं तो हमारा व्यवहार एक निश्चित होता है, हमारा आचरण निश्चित होने लगता है। जब निश्चित आचरण होने लगता है तब हम कहीं भी व्यवहार करें, चाहे घर में करें, चाहे वर्क प्लेस पर करें, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे प्रकृति के साथ में हो, एक निश्चित आचरण के रूप में काम करते हैं, और यही एक इसकी खास खासियत है कि इसको एक प्रपोजल के रूप में कहा गया है, और प्रपोजल के रूप में कहने के बाद में स्वयं की शक्ति पे समझना है, स्वयं के विवेक से समझना है, और स्वयं के विवेक से समझने के बाद ही अपने आप धारण करता है। तो इस तरह से हमारा जो कंडक्ट है, व्यवहार है, वो निश्चित बनता है। जैसा मैंने कहा कि समाज में बहुत से लोग कहते हैं कि कॉलेज में तो पढ़ाने की चीज नहीं है, स्कूल में है, स्कूल वालों कहते हैं कि निश्चित रूप से स्कूल की नहीं, परिवार की है, लेकिन निश्चित रूप से ये देखा गया अल्टीमेटली जब तक जो एडल्ट है वो नहीं सीखेंगे तब तक बच्चों में नहीं जा सकती, जब तक बच्चों में नहीं जा सकती तो दूसरी पीढ़ी में नहीं जा सकती, और ऐसा सिद्ध हो चुका है और पिछले बहुत समय से इसको करते हुए, लागू करते हुए देखा कि ऐसा किया जा सकता है। मैं थोड़ी सी जानकारी आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि पहली बार यही अभी कुछ समय में इसको पता किया गया और हमको पता लगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, और सिस्टम में इस तरह के बहुत से लोगों ने ऐसा काम किया कि इस हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए और उस कंडक्ट के साथ जीने से हमारा समाज कैसा बनता है, और बहुत पीढ़ियों ने इसको किया, उन पीढ़ियों ने करते हुए हम तक पहुंचाया,
और हम तो सिर्फ उसको आप आगे लाके आप तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, और आप चूंकि आगे से अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे और विद्यार्थियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएगा। इस तरह का काम अगर हम देखें समाज में बहुत से लोग अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन उसको जब तक शिक्षा के माध्यम से नहीं होगा तब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं जा सकता। इसलिए ही इसको देखा गया कि शिक्षा के माध्यम से लागू किया जाए, और शिक्षा के माध्यम से भी ये देखा गया कि चूंकि एडल्ट को ही समझना है, सबसे पहले शिक्षक को समझना है, और वो जो कॉलेज का विद्यार्थी है जो बहुत जल्दी ही पेरेंट भी बनने वाला है और समाज में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी निर्वहन करने जा रहा है, तो उसको समझना है, इसलिए इसको लागू किया गया। अब मैं इसके पिछले डेवलपमेंट को देखूं कि किस तरह से आगे बढ़ा, थोड़ी सी जानकारी आपके सामने संक्षिप्त में रखना चाहूंगा कि 1980 में IIT दिल्ली में एक कोर्स शुरू किया साइंसेज एंड ह्यूमनिज्म, इसके बारे में चर्चा हुई, और फिर 2001 में एक MHRD ने नेशनल रिसोर्स सेंटर डेवलप किए IIT दिल्ली में, NCERT में और IIM लखनऊ में, जिनने इस पे सिस्टमेटिक स्टडी की कि क्या होना चाहिए, व्यक्ति के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए, उसमें वैल्यू के रूप में वो जी सके, अपने कार्य में व्यवहार में उस वैल्यू को प्रदर्शित कर सके, अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे क्या करना चाहिए। लेकिन इसकी बहुत सिस्टमेटिक जो काम हुआ और जिसको व्यवहार में लागू किया, वो 2005 में जब IIT हैदराबाद, IIIT हैदराबाद नया बना, तो वहां इसको 2 सेमेस्टर कोर्स के रूप में लागू किया, और इस 2 सेमेस्टर कोर्स के रूप में लागू करने के बाद जो विद्यार्थियों के व्यवहार में जो परिवर्तन देखा, तो वहां से एनकरेजमेंट होके इस कोर्स को और व्यापक करने की बात ध्यान में आई, और 2009 में यूपी टेक ने, यानी जो अभी AKTU जिनको बोलते हैं, उन्होंने इसको लागू किया। यूपी टेक अपने आप में बहुत बड़ा एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी है, जिसमें 500 से ज्यादा कॉलेजेस थे, तो एक साथ 500 कॉलेजेस में इसको लागू किया, और बहुत महत्वपूर्ण तैयारी के साथ टीचर ने इसमें पार्टिसिपेट किया, टीचर्स ने अपने आप को तैयार किया, उनने विद्यार्थियों तक ले गया, और आज भी हम देखते हैं USB की जो टीम आपके साथ काम करने में लगी है, उसमें AKTU का बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी है उनमें, जो हमको इस कोर्स को यहाँ तक ले आ रहे हैं। इस उसके इनका एनकरेजिंग रिजल्ट को देख के पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने 2011 में लागू किया, और प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा जी जो अभी भी इस संपूर्ण कार्य को निरीक्षण करते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम जो काम कर रहे हैं, रजनीश अरोड़ा जी उसमें वहाँ के वाइस चांसलर थे, उनने बहुत लार्ज स्केल पे इसको करने का तैयारी की और बड़ी लार्ज स्केल पे काम किया। बहुत से रिसोर्स पर्सन भी अभी हमारे साथ में हैं जो PTU से इसमें लगी हुई है। इसके बाद में बहुत बड़ा जो एक परिवर्तन देखे, तो भूटान ने इसको 2012 में अपने ऊपर लागू किया। भूटान हमेशा डेवलपमेंट को GDP से नहीं नापता, उसको ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के रूप में देखता है कि हमारा व्यक्ति खुश कितना है, वो प्रोडक्शन के रूप में नहीं आता, खुश कितना है, उस तरह का वो कर रहे थे। तो उनको ध्यान में आया कि इस तरह की शिक्षा क्या हो, जब उन्होंने एक नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जाना कि भारत में इस तरह के USB के कोर्सेज लागू है और इस तरह का पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने उनके लोगों ने यहाँ की देखा, उनके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी देखा, उनको लगा कि ये जो हमारे यहाँ पे जिस बात को हम नेशनल हैप्पीनेस की बात करते हैं, ये कोर्स तो बिल्कुल उसके लिए फिट बैठता है, और उन्होंने 2012 से अपने आप में इस कोर्स को लागू किया, और वहाँ सभी सिर्फ विद्यार्थियों को नहीं, इवन ब्यूरोक्रेट्स तक को भी इस कोर्स के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाती है, और अभी भी हमारे जो भी नेशनल लेवल के प्रोग्राम, हमने भूटान से बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। फिर 2012 में हिमाचल टेक्निकल यूनिवर्सिटी लागू किया, फिर रिसेंटली 2018 में बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो नई बनी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी राजस्थान की, तो उसने अभी इसको बहुत तेजी से लागू किया, मुझे एज ए वाइस चांसलर उसको लागू करने का मौका मिला, और वहाँ थोड़े से समय में लगभग पूरे एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी को देखें तो 35 से 40% फैकल्टी ने इस वर्कशॉप को किया, और विद्यार्थियों में ले जाने के लिए ऐसा वर्कशॉप, जिस कॉन्फ्रेंस का वर्कशॉप आप जिसको ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा वर्कशॉप विद्यार्थियों के साथ काम किया, विशेषकर कोविड के समय में, और 8,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को ऐसे वर्कशॉप से निकाला। और तो एक इस तरह से करते करते अब अगर देखें हम तो 2020 में, तो ये 40 लिखा, मुझे लगता है कि 40 का फिगर तो बहुत पुराना है, अभी लगभग देश में सभी जगह ये पहुंचा है, सभी स्टेट में ही पहुंचा, मैं तो ऐसा कह सकता हूँ सभी स्टेट में ही पहुंच गया होगा, क्योंकि पिछले टाइम में बहुत से फैकल्टी ने, चाहे वो कोर्स लागू नहीं हुआ लेकिन वहाँ की फैकल्टी इस कोर्स को कर चुकी है, और बड़े स्तर पे इसको काम को किया जा रहा है।
इसी तरह से मैं इंडक्शन प्रोग्राम की बात करूं, जो जैसे टोटल प्रोग्राम का एक हिस्सा इंडक्शन प्रोग्राम भी है, इंडक्शन प्रोग्राम भी कुछ आईआईटीज ने टेकअप किया और रिसेंटली एआईसीटी ने इंडक्शन प्रोग्राम को लागू किया कि 3 हफ्ते का इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए और वो पूरे देश में उसके जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज है एआईसीटी के अंडर में आती है उन सब में इस प्रोग्राम को लागू किया। ये थोड़ी सी जानकारी, जैसा मैंने आपको बताया ने सिर्फ इसको बीटेक के कोर्स तक ही सीमित नहीं किया, उन्होंने पीजी डिप्लोमा भी किया इसमें शुरू यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में, इवन एमटेक शुरू किया होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड सिस्टम टेक्नोलॉजी में, और वहां के इन कोर्सेज से निकले विद्यार्थियों ने अपने जीवन को जीवन के उद्देश्य को पहुंचा पहचाना उसके लिए उसको क्या भागीदारी होनी चाहिए और उसके लिए क्या स्किल सीखनी चाहिए इसके बारे में भी जाना और बहुत अच्छा जीवन अपना समाज में वो निर्वहन कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो चेंज एआईसीटी ने इस कोर्स के माध्यम से हम तक पहुंचाया, मैं समझता हूं कि एक एपेक्स बॉडी होने के नाते जिस तरह से उन्होंने महसूस किया कि व्यक्ति को पहले व्यक्ति अच्छा बन जाए, व्यक्ति की ये समझ विकसित हो जाए कि उसकी इस सृष्टि में रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये पहले जरूरी है, उसके बाद में जीवन यापन के लिए वो स्किल कुछ भी सीख ले उसका और जीवन यापन कर सकता है। तो उन्होंने इस कोर्स को टेकअप किया और देश की जितनी भी एपेक्स बॉडीज है उसमें ये सबसे पहले है और सबसे पहले इकलौता है जिनने किसी को इस रूप में समझा और इस रूप में लागू किया कि इसको विद्यार्थी तक पहुंचना चाहिए। इन्होंने 2 कोर्स के रूप में इसने लागू किया कि एक तो 3 हफ्ते का इंडक्शन प्रोग्राम, उस इंडक्शन प्रोग्राम के 9 अलग अलग मॉड्यूल है, उन 9 मॉड्यूल में 1 मॉड्यूल जो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का है, यूएसपी 1 का है, और मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति उस 9 मॉड्यूल को लेने वाला है उससे पहले वो अगर यूएसपी 1 से निकलता है तभी उन 9 मॉड्यूल को वो ज्यादा कारगर तरीके से, ज्यादा इफेक्टिव तरीके से लागू किया जा सकता है। और सेकेंड कोर्स जो लगाया यूएसपी 2 मैंडेटरी कोर्स, बहुत अनिवार्य कोर्स है जो हर विद्यार्थी को पढ़ना है और वो एक क्रेडिट कोर्स है, 3 क्रेडिट का कोर्स है, और उन्होंने इस बात का अपने अप्रूवल हैंडबुक में लिया, अप्रूवल हैंडबुक में लेके और सभी कॉलेजेस को, सभी यूनिवर्सिटीज को इसको लागू करने के लिए कहा। इनको और इफेक्टिवली लागू करने के लिए 3 दिन के वर्कशॉप होते हैं फेस टू फेस टीचर्स के, 5 दिन के ऑनलाइन वर्कशॉप है जैसे जिससे आप जुड़े हुए हैं, 8 दिन के ऑफलाइन वर्कशॉप है जैसे पहले हुआ करते थे, मैं भी उस वर्कशॉप से 8 दिन के वर्कशॉप से निकल के आया और तभी इस बात की जानकारी भी नहीं कि इतना ही महत्वपूर्ण कोर्स है वो है। उसके अलावा उससे और आगे हायर जानने के लिए प्रोफेसर कोर्सेज है, इन सब कोर्सेज के करने वालों को एआईसीटी अपनी तरफ से रिकॉग्नाइज करती है, उनको सर्टिफिकेट देती है और उनके वो करियर में काम आते हैं। मुझे लगता है कि एआईसीटी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, उसके लिए वो उनको साधुवाद के हकदार है और निश्चित रूप से ये एक छोटी सी शुरुआत है लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की उसमें बहुत गुंजाइश है। और जब तक अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण कि जब तक अच्छा व्यक्ति तैयार नहीं होगा तब तक एक सभ्य समाज नहीं बनेगा, जब तक सभ्य समाज नहीं बनेगा एक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता, जब एक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता तो संपूर्ण सृष्टि में जो हम शांति की और सुख की कल्पना कर सकते हैं वो नहीं हो सकते। ये पहला छोटा स्टेप है लेकिन पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। ऐसा मैंने कहा कि इनको एक मैंडेटरी कोर्स के रूप में लागू किया, उन्होंने अपने हैंडबुक में लिखा और ये लेटर भी लिखा उन्होंने सबको 2018 जनवरी में कि आप सबको लागू करना है। बहुत सी यूनिवर्सिटी ने लागू किया है, मैं मेरी जानकारी के हिसाब से मैं समझता हूँ लगभग 60 यूनिवर्सिटीज में ये कोर्स लागू होगा। जैसा मैंने कहा इंडक्शन प्रोग्राम 3 हफ्ते का, शुरू में 21 दिन का, अब तो बहुत सारे कॉलेजेस ने किया है और उस कॉलेजेस की जो परफॉर्मेंस रही है जिस तरह से किया है उसके लिए भी वीकली मीटिंग्स के माध्यम से हम आप जानकारी ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस को एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज तक पहुंचा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विद्यार्थियों द्वारा उसको बहुत पसंद किया गया है। और यहां तक कि विद्यार्थियों ने कहा है कि इंडक्शन प्रोग्राम फर्स्ट ईयर में ही क्यों, इनको 4 साल तक चलना चाहिए और इसके जो आउटकम है वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक भी जाने चाहिए। कई जगह इसके अलग अलग क्लब्स भी बने हैं, विद्यार्थियों ने क्लब बनाकर उस एक्टिविटी को शुरू किया गया है। जहां तक इस कोर्स के बैकग्राउंड को देखें तो अब तक तो जिस तरह के जिस स्टेज पे पहुंचे हैं, इसका सिलेबस है, टीचर्स के लिए टीचर्स मैनुअल है, उसमें हर लेक्चर के बारे में डिटेल में बताया गया है कि इस लेक्चर में क्या पढ़ना है, क्या आउटकम है, क्या डिस्कशन करना है, उसके प्रैक्टिस सेशन है उसके क्या डिस्कशन करना है, टेक्स्ट बुक है,
बहुत सारे वीडियोस है, ऑडियोज है, प्रेजेंटेशंस है, इसको देख सकते हैं। और इस बात को और समझने के लिए 5 दिन के वर्कशॉप की व्यवस्था है, टीचर जिस जिस तरह के वर्कशॉप में आप आए हैं, 8 दिन के वर्कशॉप की व्यवस्था है जो ऑफलाइन है, अभी कोविड के बाद में उसको भी लागू किया जा सकता है, वीकली मीटिंग्स है, रीजन वाइज मीटिंग्स है, यानी इस कोर्स के रूप में और उससे संबंधित जितनी भी जानकारी हो सकती है सब हमारे पास फर्स्ट हैंड अवेलेबल है। और अंत में मैं मेरे सभी शिक्षक साथियों से इतना ही कहना चाहूंगा कि इसे चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे और कोई शिक्षा का माध्यम हो, इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो शिक्षक है। पॉलिसियां पहले भी बनी है, अब भी बनी है, आगे भी बनती रह सकती है, लेकिन उस पॉलिसी को यथार्थ में बदलने का काम, उस पॉलिसी में अंतर्निहित महत्वपूर्ण बात को विद्यार्थी तक पहुंचने का काम हम शिक्षक ही कर सकते हैं। और हम शिक्षक जिस रूप में कर सकते हैं उसका जो सटीक तरीका हो सकता है कि जो बात इसमें कही गई है वो जब तक हमारे अपने कंडक्ट में नहीं हुई, अपने आचरण में नहीं होगी, और उस आचरण से हमारे व्यवहार और हमारे वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, तब तक वो विद्यार्थी तक नहीं। भाषण देने से काम नहीं चल सकता, लेकिन हमको अपने आचरण से ये सिद्ध करना होगा कि यही जीवन का तरीका सीखे, संबंध पूर्ण जीवन भी हो सकता, जीवन ही हो सकता है। हम हारमोनी से ही जीवन को यापन कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ प्रेम से ही रह सकते हैं, लव एंड कंपेशन से ही जीवन होता है। ये अगर हमारे आचरण में होगा तो हमारे विद्यार्थी तक पहुंचेगा, जब विद्यार्थी तक पहुंचेगा तो अगली पीढ़ी तक पहुंचेगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तैयार, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तैयार करने का काम हम हमारे शिक्षकों का, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका बहुत बड़ा डोमेन है। विद्यार्थी आपसे सीखना चाहता है, आपसे जानना चाहता है, आपके हर व्यवहार को देखता है और अपने आप को लागू करना चाहता है। आप इस समाज का आईना है, इसलिए आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इस 5 दिन के कोर्स के माध्यम से सिर्फ एक दिशा के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलने वाली है, लेकिन उस जानकारी के आधार पर अपने आप को विकसित करने का काम आपका है, उस विकसित किए हुए काम को आप विद्यार्थियों तक ले जाएंगे, ये आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। मैं समझता हूँ कि इस एनईपी के ने जो भाव रखा है, जो अपनी अपेक्षा रखी है हम सबके सामने, जो लक्ष्य रखा है, उसको पूर्ति करने का आप बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा वाहक है, इस वाहक को अपने आप में धारण करते हुए विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं आप सबको इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने AICT के इस विजन को हेलो जी हाँ थैंक यू। जी जी धन्यवाद सर, आपने AICT के इस विजन को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इस विजन को, और फुल ह्यूमन पोटेंशियल एंड इक्विटेबल जस्ट सोसाइटी और नेशन डेवलपमेंट को किस तरह से प्रमोट किया जाए, किस तरीके से इस बात को सभी के बीच में रखा जाए, इसको सभी के साथ प्रस्तुत किया, इस मार्गदर्शन सभी के लिए प्रेरणादायक होगा और मानवीय दृष्टि से मानवीय मूल्यों और मानवीय आचरण पूर्ण जीने का क्या हुनर हो, इस बात को आपने जो महत्वपूर्ण रूप से अंकित किया है, यह सभी के लिए उपयोगी है। और आपके आपकी पूरी बात से ये बात भी दिख पा रही है कि हमें परिवर्तन अपने जीने में करना है, और जीने में परिवर्तन और अपने आचरण के परिवर्तन में आने से ही हम इस बात को अपने विद्यार्थियों तक ले जा पाएंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, और इस जी बात जी को, जी जी सर, इस बात, राघवेंद्र भैया, जी जी भैया, अभी मैं देख रहा था समय तो है, अगर थोड़ा सा अगर सर इंटरेक्शन भी हो सके पार्टिसिपेंट के साथ, अगर पार्टिसिपेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हो तो अच्छा रहेगा, वो जी इंटरेक्शन जी स्कूल जी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि सर अभी हमारे बीच मौजूद हैं, अगर किसी तरह का प्रश्न या किसी तरह की क्वेरी या आपकी कोई जिज्ञासा इस पूरी कार्यशाला को लेके बन रही है तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं, तो हम सर के साथ आपकी बात भी करवा सकते हैं, सर आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपके कोई रिफ्लेक्शन या कुछ ऐसी आपकी क्वेरी बन रही है तो हमारे साथ है प्रोफेसर शिक्षा शिका सक्सेना जी। दीदी नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्ते भैया, नमस्ते। मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है। सर ने अभी जो भी रूपरेखा तैयार करी इस कार्यक्रम की और हमें मानसिक रूप से एक तरीके से तैयार किया आने वाले जो भी विषय वस्तु हमारे साथ साझा करी जाएगी, बट मेरा एक ये प्रश्न है, हम सभी चीज जानते हैं, समझते हैं और मानते हैं,
पर बच्चों में अपने स्टूडेंट्स में इससे किस तरह से हम इनकलकेट करें। मैं ये कोर्स को 2013 से पढ़ा रही हूँ, मेरे जीवन में तो मुझे लगा कुछ बदलाव आया इन सभी के साथ, पर बच्चों के जीवन में किस प्रकार आए वो कार्य थोड़ा कठिन सा लगता है। जी निश्चित रूप से कठिन तो है ही, सबसे पहले अपने आप में लाना ही, आपने महसूस किया होगा कि बहुत कठिन है। अभी भी हम कई बार फेल होते हैं, हमको लगता है कि जो हमारा आचरण है परिवार में और हमारे वर्क प्लेस पे, कई बार हम फेल होते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थी तक लाना तो ये निश्चित रूप से जरूरी है, ऐसा तो हमने सबने मान ही लिया है, इस बात को तो कोई इनकार नहीं कहता करता कि हाँ ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उन तक पहुंच जाए ठीक ठीक तरीके से ये प्रक्रिया कहीं से शुरू होनी है और हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप देखेंगे कि विद्यार्थियों का निश्चित रूप से संख्या कम हो सकती है, लेकिन विद्यार्थियों में ये परिवर्तन आना नजर आता है, क्योंकि हम एक कोर्स के बाद में विद्यार्थियों को जैसा है वैसा छोड़ देते हैं, उनको और आगे अपने जीवन में वो इस बात को एक्सप्लोर करें और वो जी सके संपूर्ण समझ के साथ में, इस दृष्टि के साथ में। उसके लिए हम उनको लगातार कांटेक्ट बना के नहीं रखते, उसको डायरेक्शन नहीं लिखते। मैंने अपने विश्वविद्यालय में थोड़ी सी कोशिश की है तो बहुत से विद्यार्थी निकल के आए हैं जो वॉलंटियर के रूप में काम करना चाहते हैं, तो आप समझते हैं वो सिर्फ वॉलंटियर नहीं है, वो एक अपने आप को तैयार कर रहा है इस दृष्टि से जीने के लिए। और निश्चित रूप से कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है, पहुंचा जा सकता है। ऐसा जैसे IIIT हैदराबाद ने 2 सेमेस्टर में लागू किया और पूरी संस्थान ने उसको लागू किया तो वहाँ विद्यार्थियों में परिवर्तन नजर आए, तो ऐसा हो सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण है लेकिन उदाहरण कम है इस बात से हम सभी सहमत हैं। ऐसा तो हमारे भी लागू होता है कि कितने टीचर्स ने किया है, उसके बाद में कितने लोगों ने अपने आचरण में लाभ पाए हैं, और उस आचरण में जो लाभ पाए हैं वो उस आचरण में हर्ष में बनाए रख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। तो ये सतत प्रक्रिया है, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से दिशा सही है। कितना समय लगेगा ये यही कह सकते समय लगेगा। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ है रविंद्र जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्ते भैया, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, आपकी आवाज। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि इस UHU को करने के बाद मुझे एक समझ में आया है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सेल्फ इवैल्यूएशन, ये चीज पे अगर हम काम करते हैं तो इसके जो रिजल्ट है वो हमें पहले नजर आते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि एक शिक्षक एक प्रतिबिंब के तरह होता है कि विद्यार्थी उसको फॉलो करते हैं, तो इस सेल्फ एक्सप्लोरेशन सेल्फ इवैल्यूएशन के प्रक्रिया को और अच्छे से बच्चों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, या इसे कुछ टास्क बेस्ड हम कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहले तो दो स्टेज है। एक तो ये है कि पहले हम अपने आप को समझ लें, ठीक है, माना हमको समझ में आ गई, समझने के बाद में हम उसको अपने आचरण के रूप में ढालने की कोशिश करते हैं, लगातार करते रहे। किस स्टेज पे पहुंचे हैं ये अलग बात है, लेकिन तीसरी जो महत्वपूर्ण स्थिति है कि जो हमारे आचरण में आया है ये हम भागीदारी के रूप में, चाहे हमारा जहाँ वर्क प्लेस है वहां पे या सोसाइटी में, जब तक हम उसको भागीदारी के रूप में करेंगे नहीं तब तक वो हम तक ही सीमित रह जाएगा। तो हमारा जो रोल है ये तीसरा महत्वपूर्ण रोल है कि अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमारी इस आचरण के साथ भागीदारी हो, उस भागीदारी के माध्यम से हम विद्यार्थियों तक पहुंचते हैं। जितना हम विद्यार्थियों से संपर्क में आएंगे, उनसे भागीदारी के रूप में करेंगे, तो विद्यार्थी हमको देखता है, हमको देख के अपने आप में धारण करने की कोशिश करता है। हमने अपने जीवन में भी, चाहे हम UHV से नहीं आए तब भी हम हमारे अच्छे अच्छे जो टीचर थे उनकी जो अच्छी अच्छी बातें थी वो हम अपने आप में धारण करते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है एक छोटा सा मेरा अपना उदाहरण, मैं IIT रुड़की में PhD कर रहा था तो मेरे जो टीचर थे वो कहते थे जो कुछ भी काम करते हो उसको लिख के मुझे दे दो, मैं उसको देखूंगा, फिर आपको टाइम दूंगा, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। तो मेरा एक्सपेरिमेंटेशन का काम था, मैंने उसको किया, लिखा, लिख के जो प्रेजेंट करना था, जो कंक्लूजन मुझे समझ में आ रहे थे मैंने लिख के उनको दिया। 3 दिन बाद उन्होंने मेरे को बुलाया और कहा कि ये मैंने चेक कर लिया है, इसको आप वापिस देख,
और कल तो आप 9 बजे आ जाना चर्चा करें। तो मैं बाहर आ गया, जैसे बाहर आया उन्होंने पीछे घंटी बजा के सर्वेंट को भेजा कि वो उनको चारण को वापस बुलाओ। उन्होंने वापस बुलाया तो बोले नहीं 9 बजे नहीं, आप 9:15 बजे आना। अब आप समझते हैं कि पीएचडी के विद्यार्थी के लिए तो गाइड ही सब कुछ है, वो 9 बजे का है 9:15 बजे का है, वो तो विद्यार्थी तो 15 मिनट आधा घंटा पहले आके खड़ा होता है। मैं दूसरे दिन उन्होंने 9:15 का, मैं तो 9 बजे पहुंच गया, लेकिन मैंने देखा कि वो 9:15 बजे ही आए। मैंने जब गहराई से सोचा तो मुझे इस बात का भान हुआ कि उन्होंने मुझे 9 की बजाय 9:15 दोबारा कहा 15 मिनट, और वो 15 मिनट लेट आए। यानी उन्होंने इस बात को समझा कि 15 मिनट का समय में विद्यार्थी को, मेरे विद्यार्थी को 15 मिनट पहले आने के लिए क्यों कहूँ, क्यों कहूँ, तो उसका समय भी उतना महत्वपूर्ण है। ये छोटी सी बात जो है मेरे मन में हमेशा के लिए बैठ गई। उनने कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया कि समय का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, हमारा समय महत्वपूर्ण है, दूसरे का महत्वपूर्ण है, कोई लेक्चर नहीं दिया, किसी तरह का कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना सा कहा कि 9 की बजाय 9:15। और मैं अपने जीवन में इसको ध्यान रखने की पूरी पूरी कोशिश करता। तो मुझे लगता है कि टीचर की जो जो बिहेवियर है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसके माध्यम से बच्चा सीखता है। और अब तो हम सिस्टमेटिकली यूएचवी के माध्यम से हम अपने आप खुद के आचरण को ठीक कर रहे हैं, और हमारे पास दिशा भी है कि हम विद्यार्थी तक ले जा सकते हैं। तो बहुत ही तेजी से और बहुत इफेक्टिव तरीके से विद्यार्थी तक ले जाया जा सकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक प्रश्न और ले लेते हैं, रामकृष्ण जी हैं, रामकृष्ण पाठक जी, आपके पास माइक अवेलेबल है। जी आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना प्रश्न रख सकते हैं, रामकृष्ण पाठक जी। हाँ, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ जी जी जी, जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो ह्यूमन वैल्यूज के आधारित मतलब ज्ञान है, नॉलेज है, वो तो हमको मतलब अपने घर से मिलता है बेसिक नॉलेज। उसके बाद हम दूसरे संस्थान में आके, जैसे रिलीजियस हो या दूसरा कोई अच्छा व्यक्ति हो, उनके साथ रह के हम वो वैल्यूज को विकास करते हैं, और वैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट भी करते हैं। लेकिन सर मेरा ये प्रश्न है, अभी ऐसा क्या हुआ कि हम लोग शिक्षक को स्टूडेंट को ये वैल्यूज सिखाना पड़ रहा है, वो लोग क्या अपने घर से वो वैल्यूज सीखते हुए नहीं आ रहा है क्या वो लोग? इस प्रश्न के आधारित में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब गंगा मैया ग्लेशियर से आता है, वो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, जैसे ही वो सोसाइटी में घुस जाता है या स्टेट में घुस जाता है, उसका गंदगी बढ़ जाता है, और जैसे ही वो सागर में विलीन हो जाता है, उसका गंदगी और बढ़ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मतलब स्टूडेंट हो या जो हो, अपने बाल्य काल से वो बिल्कुल ही प्योर रहता है, वो ह्यूमन वैल्यूज भी सीखते हैं, सीखते हुए जैसे ही वो आगे जीवन में आगे बढ़ जाता है, तो उनको एक ऐसा समाज मिलता है जो जिसका गंदगी उन पर उनको लग जाता है, और उसके साथ बहते हुए वो खुद भी गंदा हो जाता है और समाज को भी मैला कर देता है। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये हम लोग, ये हम शिक्षक लोग वो लोग को ये पाठ दे के, ह्यूमन वैल्यूज का पाठ दे के, क्या वो लोग आगे में जाके, आगे में चल के वो क्या उस वैल्यूज का मान सम्मान रख सकेंगे? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, जो इस विषय वस्तु को लेने के बिल्कुल जो अवधारणा है उस पे क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को, किसी विद्यार्थियों को वैल्यू कहाँ से मिलती है। सबसे पहले परिवार से मिलती है, परिवार के बाद में स्कूल से मिलती है, स्कूल के बाद में कॉलेज तक जाता है, तो आसपास का जो वातावरण है, उसका दोस्त है, उन सबसे उसको वैल्यूज मिलती है, और इस तरह से व्यक्ति तैयार होता है। अगर हम घर में देखें, घर में जब बात करते हैं तो सभी माँ बाप अपने भाई बहन को या दोनों भाइयों को यही कहते हैं कि प्रेम से रहना चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे, और बात वो मानते भी है प्रेम से रहते, धीरे से जैसे जैसे बड़े होते हैं, देखते हैं कि उनके पिताजी अपने भाई से लड़ रहे हैं, पिताजी अपने पिताजी से लड़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि कहने का कुछ और होता है, वो करने का कुछ होता है, वहां उसको ऐसा धोखा सा लगने लगता है। फिर वो स्कूल कॉलेज में जाता है, वहां भी कुछ इस तरह का ही पाता है कि जो शिक्षक है वो बात कह कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है।
तो उसको हर बार जब जब ऐसा लगता है तो उसको लगता है कि करना कुछ और होता है, बोलना कुछ होता है। बोलना सिर्फ मोरल वैल्यूज होता है और कहना कुछ और होता है। लेकिन किसी से भी बात करो कुछ लगता है कि होना तो जीवन ऐसा ही चाहिए, तब लगता है कि कहीं ना कहीं तो शुरुआत उसको करनी पड़ेगी कि इसको कहीं ना कहीं से मानव में ये आचरण जो है वो उसका सुनिश्चित कैसे हो सकता है। सुनिश्चित तो तभी हो सकता है कि जो बात उसको कह रहा है वो अपने आप पे धारण करके देख ले, उसको लगता है कि इसको धारण करने से मेरा जीवन सहज हो सकता है, मैं ज्यादा सुखमय तरीके से रह सकता हूँ, मैं अपने आप में ज्यादा हारमोनी से रह सकता हूँ, तो बस अपना आचरण धारण कर लेता हूँ। जब मैं अपने आचरण को धारण कर लेता हूँ, मेरे संपर्क में जब आप आते हैं आपको लगता है कि हाँ ये जीवन तो ठीक लग रहा है, तो मेरे से आप तक पहुंचता है, आपसे आपके और साथी तक पहुंचता है। यानी शुरुआत पहले व्यक्ति अपने आप से करता है और बहुत से लोग जुड़ने लगते हैं। आप यहाँ उदाहरण लेके देख लीजिए, यूएचबी की कहीं शुरुआत की होगी, 2-5-10 लोग मिले होंगे, आज 50,000 से ज्यादा टीचर्स ने इस वर्कशॉप को किया है। मुझे ध्यान है कि मैंने जब पहले वर्कशॉप एज ए वाइस चांसलर मेरे टीचर्स को कहा कि आपको वर्कशॉप करना है, तो बहुत रेजिस्टेंस के साथ में और वाइस चांसलर होने के नाते एक ऑर्डर निकाल के उनको इस वर्कशॉप में जाने के लिए कहा। और यहाँ तक कि उसके जो सीनियर मोस्ट लोग थे उन्होंने मुझे घर आके भी कहा कि आप हमारी वैल्यू, अब ये उम्र हमारी को वैल्यू सीखने की है क्या? और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम तो अपमानित महसूस कर रहे हैं कि आप हमको वैल्यू सिखाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उस कोर्स से जब वो 8 दिन के बाद मिले और मुझे बात की, उन्होंने कहा कि जीवन में बहुत सारी चीजें हम लगता था कि हम मानते हैं जानते हैं लेकिन जीवन में अपनाते कैसे हैं, इस कोर्स के बाद ही पता लगा कि हमारा दायरा कितना है और वो क्या करना चाहिए। ऐसे भी लोग थे कि उनकी जहाँ वो सर्विस करते थे वो बिना ट्रांसफर की नौकरी थी, सीनियर मोस्ट लोगों ने भी कहीं ना कहा कि हम तो समझते ही नहीं थे कि हमारे जूनियर से मेरे को बात करने की जरूरत क्या है, इससे दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से हमारा क्या काम की बात। हमने अपने आप का अपना दायरा इतना सीमित कर रखा था, लेकिन आज जब कोर्स से निकले तो पता लगा कि हम जो सोच रहे थे ठीक नहीं। तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन इसमें नजर आता है जब हम अपने आचरण में लाते हैं, और वो आचरण एक शुरुआत है, व्यक्ति से शुरुआत होती है, व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ते जुड़ते एक टीम बनती है, और वो टीम के रूप में जब आगे बढ़ती है तो समाज तक जाती है। यही एक प्रयास के रूप में है और उसके प्रयास के बहुत सुखद परिणाम आए हैं, तभी तो इतनी यूनिवर्सिटी ने लागू किया, इतने टीचर्स ने लागू किया। अब हम टीचर्स को कहना नहीं पड़ता कि आप वर्कशॉप में आइए, आप देख रहे हैं कि अभी मैं देख रहा हूँ 632 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। पहले 100 लोगों को जोड़ना ही मुश्किल होता था, लेकिन धीरे धीरे समाज में लगा कि ये बहुत जरूरी है। जब हमने बच्चों के लिए लागू किया और इस तरह का वर्कशॉप किया तो उनके पेरेंट्स को भी जुड़ने के लिए कहा, कि कोविड का टाइम था, बच्चे अपने घर में थे, हमने कहा कि अपने आपके छोटे बड़े भाई बहन जुड़ना चाहे जुड़े, पेरेंट्स जुड़ना चाहे जुड़े। जब बाद में उसके फीडबैक लिया तो पेरेंट्स के जो शेयरिंग थे उन्होंने कहा कि ये तो बात सबसे पहले महत्वपूर्ण है, ये बात तो पढ़ानी पढ़ानी, इंजीनियर डॉक्टर तो बाद में बनेगा, बन ही जाएगा जैसा बनेगा, लेकिन व्यक्ति नहीं बनेगा, मानव नहीं बनेगा, और मानव अपनी रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी इस समाज में घर में तय नहीं कर पाएगा तो सिर्फ इंजीनियर बनने से भी क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है कि समाज की तो ये डिमांड है, लेकिन थोड़ा सा करने में मुश्किल इसलिए लगता है कि समाज में व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि हमको लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता, हमको लगता है कि जो अपने आप का एक शॉर्टकट जो है जीवन के, उस शॉर्टकट से जीवन चल जाएगा, कभी दुखी कभी सुखी, कभी किसी को दबाया कभी किसी को रिक्वेस्ट किया, ऐसे जीवन चलता, लेकिन वो जीवन सुखद तो नहीं हो सकता, इस बात को सबने महसूस किया। इसीलिए ये कोर्स अगर हम यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से लाते हैं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकता है, इसी ऐसी कल्पना और इसी भाव के साथ इसको आगे लाए।